डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज हम बात करेंगे 24 से लेकर 30 अप्रैल 2017 के साप्ताहिक भविष्यफल की। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले, यदि अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल एसोसिएट्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साप्ताहिक भविष्यफल 2017 24 से 30 अप्रैल में सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। इस सप्ताह समाज में आपका थोड़ा रुतबा बढ़ेगा। हालांकि आपका अपने कुछ ईगो प्रॉब्लम्स आपके प्रेम संबंधों में कुछ कड़वाहट घोल सकते हैं, लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखें। जीवन साथी पर आधिपत्य जमाना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई या झगड़े का कारण बन सकता है। आपकी संवाद शैली में थोड़ी आक्रामकता देखी जा सकेगी। वहीं सरकार अथवा उच्च पद पर आसीन लोगों से आपको लाभ मिलने के भी योग होंगे। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं एक अच्छा और लग्जरियस समय बीतने का मौका भी आपको मिल सकता है। घरेलू जीवन आपका सामान्य रहने वाला है, जबकि बच्चों को लेकर थोड़ी परेशानी का सामना आप कर सकते हैं। बात करें प्रेम फल की, तो वैसे तो यह सप्ताह प्रेम संबंध के मामले में अनुकूलता देने का वादा कर रहा है, लेकिन आपको अपने क्रोध और जिद को रोकना होगा, अन्यथा प्रेम में कुछ कड़वाहट वाला स्वाद भी महसूस हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर रह सकती है, लेकिन मध्य अपेक्षाकृत अच्छा है, जबकि सप्ताह का अंत आपको अच्छे परिणाम देने का वादा कर रहा है। इस सप्ताह के लिए भाग्य स्टार मिलते हैं 3.5, और आपको उपाय के रूप में सूर्योदय के समय सुबह जल्दी उठिए और अपनी इन नग्न आँखों से उगते हुए सूर्य को, जो लाल रंग का सूर्य है, उसको देखें और जल का अर्घ्य दें। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। इस सप्ताह आपको अपने आक्रोश को थोड़ा काबू में रखना होगा, अन्यथा आपका कोई अपना आपसे रूठ सकता है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ थोड़ी सी तकरार हो सकती है, परंतु इसके बावजूद भी उनका सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। धन लाभ के तो आपको होगा ही होगा, साथ ही आपका खर्चा भी बढ़ेगा, इसलिए दोनों में सामंजस्य बिठाए रखना आवश्यक होगा। लंबी दूरी की यात्रा पर भी आपका जाना हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप विदेश गमन के बारे में भी सोच सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए सप्ताह अच्छा है। बच्चे भी सप्ताह सहज महसूस करेंगे। कार्य से आपका मन थोड़ा भटक सकता है, और विशेष रूप से महिलाओं से आपको सामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है। ध्यान से वाहन चलाएं और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। प्रेम फल आपके लिए लेकर आया है कि इस सप्ताह आपने प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन अच्छे परिणामों को पाने के लिए आपको काम और प्रेम दोनों के बीच में बड़ा ही सामंजस्य बिठाना होगा। सप्ताह की शुरुआत इस मामले में अधिक मददगार रहेगी। इस समय प्रेम प्रसंगों में ताजगी बनी रहेगी। सप्ताह का मध्य थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन सप्ताहांत काफ़ी अच्छे परिणाम देने का वादा आपसे कर रहा है। भाग्य स्टार 3, और उपाय के रूप में शनिवार शाम पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स आपका सहयोग करेंगे। सरकार अथवा उच्च अधिकारियों से आपको किसी तरह का लाभ भी मिलना संभव है। प्रभावी लोगों से भी आपका मिलना जुलना होगा, जिससे आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। प्रेम जीवन में अहंकार दोनों के बीच टकराव को पैदा कर सकता है। कार्य क्षेत्र में महिला साथी से आपको सहायता मिलेगी और आपका कार्य भी प्रशंसनीय होगा, तो आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। घर का माहौल खुशनुमा रहने वाला है, हालांकि खर्च में वृद्धि संभव रहेगी। यदि बात करें प्रेम फल की, तो इस सप्ताह आपको प्यार में ज़्यादातर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको अपने वासनात्मक विचारों पर संतुलन रखने की सलाह दी जाती है। शुरुआती दिनों में काम के साथ साथ प्यार के लिए भी समय निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। सप्ताह का मध्य काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला हो सकता है, लेकिन सप्ताहांत में मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस सप्ताह के लिए आपको भाग्य स्टार मिलता है 3.5, और उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जाप करना होगा।
अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि अधिक रहेगी। लंबी यात्रा पर भी जाने के योग बन सकते हैं। वहीं प्रेम में तकरार के बाद रिश्ते में सुधार आएगा और आप अपने साथी के साथ सप्ताह का आनंद उठाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपका ओहदा बढ़ सकता है अथवा आपको सम्मान मिल सकता है। पिताजी के साथ रिश्ते और भी बेहतर होने की उम्मीद रहेगी। वहीं शत्रु पक्ष पर आप चौतरफा हावी रहेंगे। कुछ अनावश्यक मुद्दों पर आपका ध्यान जा सकता है जो आपके समय और धन की बर्बादी करा सकता है। इस ओर ध्यान दीजिए। प्रेम फल के रूप में ये सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। यदि किसी सहकर्मी से आपको प्रेम है तो परिणाम और भी अच्छे मिलने के योग बन रहे हैं। खासकर सप्ताह के शुरुआती दिनों में इस बात के और भी अच्छे योग हैं। हालांकि इस समय भागदौड़, काम व प्यार, इन सब के बीच सामंजस्य रखना बहुत ज़रूरी होगा। सप्ताह का मध्य काफ़ी आनंददायी रहेगा और सप्ताहांत थोड़ा औसत रह सकता है। भाग्य स्टार 3 और उपाय के रूप में श्वेत चंदन के साथ भगवान शिव की आराधना करें और उसी चंदन का तिलक स्वयं अपने मस्तक पर लगाएं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। समाज एवं कार्य क्षेत्र दोनों में आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अच्छे कार्यों के चलते समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी और किस्मत का भी साथ मिलेगा। अचानक ही आपको कहीं से धन अथवा कोई लाभ भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि पिताजी के साथ आपके वैचारिक मतभेद संभव हैं या उनकी सेहत में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथी के साथ मधुर रिश्ता बनाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। बच्चों के स्वभाव में थोड़ा आलस्य देखा जा सकता है। बात करें प्रेम फल की तो सामान्य तौर पर यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला ही रहेगा। हालांकि यदि आप विवाहित हैं तो परिणाम अच्छे होते चले जाएंगे। अविवाहित होने की स्थिति में आपको वासनात्मक विचारों को संतुलित रखने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के शुरुआत में संभव हो तो भ्रमण पर जाएं। मध्य में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं और सप्ताहांत के औसत रहने के योग बन रहे हैं। भाग्य स्टार आपको मिलता है 3.5 और उपाय के रूप में जो गली मोहल्ले के आपको कुत्ते दिखाई देते हैं उनको कुछ भी खाने को दीजिए, चाहे दूध दीजिए, ब्रेड दीजिए, रोटी दीजिए, कुछ भी दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। इस सप्ताह आपके मन में नए नए विचार आएंगे। नए विचारों के द्वारा आपको आर्थिक लाभ भी संभव है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य दिखेगा। हालांकि करियर क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसी कारणवश घरेलू जीवन में आपका ध्यान थोड़ा कम लग पाएगा। वहीं प्रेम जीवन में छोटी मोटी समस्या आ सकती है। लंबी यात्रा अथवा विदेश में आपका जाना संभव है। दुश्मनों पर आप हावी रहेंगे लेकिन दूसरी ओर बच्चे आपके थोड़े चिड़चिड़े मिजाज के हो सकते हैं, इसलिए एक दोस्त की भांति उनको ध्यान दीजिए। प्रेम फल के रूप में यह सप्ताह प्रेम के मामले में ज़्यादा अनुकूल नज़र नहीं आ रहा है, अतः निजी मामलों में बेवजह की जिद से बचना होगा। साथ ही प्रेम के बीच में अहंकार को लाना भी उचित नहीं होगा। कम से कम सप्ताह की शुरुआत में इन बातों का खास ख्याल रखना होगा। सप्ताह का मध्य भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने वाला है और सप्ताहांत में कोई खोई हुई अनुकूलता वापस आ जाएगी। भाग्य स्टार आपको मिलता है 2.5 और उपाय के लिए किन्नरों को आशीर्वाद प्राप्त करना आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। अगली राशि तुला राशि। इस सप्ताह आपकी सेहत में थोड़ी गिरावट हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत पर पूरा ध्यान रखें। किसी कार्य हेतु आपका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत होगा। अपने शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे और अपने बल से लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे। करियर को और ऊंचाई में ले जाने के लिए आप कठिन परिश्रम भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका कद थोड़ा ऊँचा हो सकता है। हालांकि छोटा मोटा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां आपको परेशान कर सकती हैं और बच्चों को लेकर भी आप परेशानी से गुजर सकते हैं। आलस्य का त्याग करें और पूरे मनोबल से अपने रिश्तों और कार्य को संभालें। प्रेम फल के रूप में सामान्य तौर पर यह सप्ताह प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल रहेगा।
किसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखना हो तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है। अपने से बड़े स्तर के व्यक्ति से आत्मीयता के योग भी हैं। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, हालांकि कुछ नोकझोंक भी संभावित है, लेकिन मध्य भाग में थोड़ा संयमित रहने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के अंत में तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। भाग्य स्टार 3.5 और उपाय के रूप में मंदिर में गेहूं को दान करना आपके लिए उचित रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस सप्ताह आपको कुछ अधिक क्रोध आ सकता है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी तकरार देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके बावजूद भी आपका प्रेम साथी आपको अधिक प्रेम दिखाएगा और आप भी उन पर प्रेम बरसाएंगे। यह सप्ताह आपके लिए आरामदायक रह सकता है। शत्रुओं को मात देने में आप पूर्ण रूप से सफल रहेंगे। हालांकि आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि भी हो सकती है। इस हफ्ते आपको ज़्यादा ही व्यस्त रहेंगे। खुद के कार्य से आप असंतोष भी महसूस कर सकते हैं। उधर बच्चों एवं छात्रों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। प्रेम फल के रूप में सामान्य तौर पर यह सप्ताह प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल रहने वाला है। वैवाहिक प्रस्ताव के मामले के लिए सप्ताह अनुकूलता लिए हुए प्रतीत होता है। किसी सहपाठी या सहकर्मी का साथ आपको अच्छा लगेगा। सप्ताह की शुरुआत अच्छी होगी, वहीं मध्य में प्यार भरी नोकझोंक भी हो सकती है। सप्ताह का अंत शुरुआती दिनों की अपेक्षा थोड़ा कमजोर रह सकता है। आपका भाग्य स्टार है 4 और उपाय मंदिर में कपूर एवं फल का दान करें। अगली राशि है धनु राशि। इस सप्ताह आपके घर का माहौल सुखद रहेगा। आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आप परिजनों के साथ कुछ अच्छे पल भी व्यतीत करेंगे। इस सप्ताह कोई नया वाहन अथवा घर खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। हालांकि प्रेम में आपका अहंकार कुछ खलल डाल सकता है। आप अपने प्रेमी के साथ शादी के बंधन में भी इस सप्ताह बंधने के बारे में सोच सकते हैं। किसी समस्या के कारण आपको मानसिक तनाव रह सकता है। हालांकि आपकी माताजी की सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि आप किसी का पुराना उधार है तो आप उसे चुकाने में सक्षम रहेंगे। सामान्य तौर पर यह सप्ताह प्रेम के लिए थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। हालांकि इस सप्ताह आपको यात्रा में अपने साथी का सहयोग मिल सकता है या उनसे मिलने का मौका भी मिल पाना बहुत संभव है और यात्रा भी सुखद रहेगी। शुरुआती दिनों में कोई सहपाठी अच्छा लग सकता है। मध्य का समय भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन सप्ताह का अंत थोड़ा मिला जुला रह सकता है। खासकर सप्ताह का अंतिम भाग जिसे हम कहेंगे कि कुछ कमज़ोर रहेगा। भाग्य स्टार आपके लिए हैं 3 और उपाय शिव जी को खस का इत्र चढ़ाएं। मकर राशि। सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही अनुकूल है। आप कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। घर में कोई विवाद किसी भी चीज़ को लेकर पैदा हो सकता है, अतः उसको नज़रअंदाज करने का प्रयास करें। अपने परिजनों पर आप हावी होने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपके पर्सनल जीवन में यानी प्रेम में थोड़ी तकरार संभव है। हो सकता है इस सप्ताह किसी के साथ कोई नया रिश्ता कायम करें। घर में जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और धार्मिक क्रियाकलापों में आप सक्रिय रहेंगे। बात करें प्रेम फल की तो इस सप्ताह प्यार में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। यदि पार्टनर आपसे दूर रह रहा है तो प्रेम प्रसंग में और भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। सप्ताह की शुरुआत में किसी सुरक्षित जगह में मिलने का प्लान सफल रह सकता है। हालांकि किसी कारण से थोड़ा तनाव भी संभावित है। सप्ताह के मध्य में अनुकूलता बन रही है, साथ ही सप्ताह के अंत में प्यार वाली नोकझोंक भी संभावित है। भाग्य स्टार आपको मिलता है 4 और उपाय प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए उचित रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। इस सप्ताह आप माताजी की तबीयत का थोड़ा ख्याल रखें। ऑफिस में आपका कार्य तो सराहनीय रहेगा और लक्ष्य के प्रति आपका दृढ़ संकल्प भी बना रहेगा। सरकार की ओर से किसी तरह का लाभ मिलने की भी संभावना दिखती है। कोई छोटी की दूरी की यात्रा पर भी इस सप्ताह आपका जाना संभव है। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आप आनंद लेंगे और घर में कोई अच्छा पवित्र काम हो सकता है। बात करें प्रेम फल की तो यह सप्ताह प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है,
लेकिन ऐसा कुछ भी ना करें कि जिससे आपके पार्टनर आपको मतलबी अथवा स्वार्थी समझने लगे। सप्ताह के शुरुआत में मुमकिन होने पर साथ में कहीं घूमने जाएं या कोई फिल्म देखें। मध्य में मिलने का कार्यक्रम सफल तो रह सकता है, लेकिन वक्त शिकायतों में ही गुजरेगा। सप्ताह के अंत में प्यार में और भी कसावट देखने को मिल सकती है। भाग्य स्टार आपको मिलता है 3.5, और उपाय, कुत्तों को खाना खिलाना आपके लिए उचित फल देने वाला सिद्ध होगा। अब चलते हैं हम अपनी अंतिम राशि मीन राशि की ओर। इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम के बादल छाए रहेंगे। मानसिक रूप से आप संतुष्ट दिखेंगे और फैसले लेने में भी आप किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। कठिन परिश्रम के साथ आप काम में व्यस्त रह सकते हैं। आपके प्रयास सफल होंगे और उनसे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आप एक ही काम को बार बार करना चाहेंगे या उसको चेक करना चाहेंगे कि आप सही राह पर हैं अथवा नहीं। ध्यान रखें, बोलचाल में कड़वाहट रिश्ते की डोर को थोड़ा कमज़ोर कर सकती है। विरोधी आपके खिलाफ कोई साजिश भी रच सकते हैं, परंतु वह अपनी इस चाल में कामयाब नहीं होंगे। भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का छोटा मोटा विवाद इस समय में संभव होगा। प्रेम फल की बात करें तो सामान्य तौर पर इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते हैं। शुरुआती दिनों में आपसी बहस से आपको बचना होगा, साथ ही पार्टनर की सेहत का ख्याल भी रखना होगा। सप्ताह के मध्य भाग में साथी के साथ मनोरंजन करें व घूमने जाएं, इससे आपसी शिकायतें भी दूर होंगी। सप्ताह के अंत में तनाव के बावजूद प्यार में एक नया ताजगी बनी रहेगी। भाग्य स्टार मिलता है आपको 3.5, और उपाय करना है, भगवान शंकर की पूजा करें और उन्हें दही चढ़ाएं। तो आज हमने बात की साप्ताहिक भविष्यफल 24 से लेकर 30 अप्रैल 2017 की। हमारे इसी तरह और भी अधिक वीडियो को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एसोसिएट्स टीवी यूट्यूब चैनल को, और इसके अतिरिक्त अपने भविष्य से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप को और पाइए 50 प्रश्नों की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। इसलिए इस शुभकामनाओं के साथ कि आपका ये आने वाला सप्ताह खुशियों भरा और तरक्की भरा रहे, आप सभी से इजाज़त लेते हुए आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक।